Hello guys, I am Sujeet and you are watching Sujeet Academy. Today we are going to discuss Sonnet 71. As you know, William Shakespeare wrote 154 sonnets on a variety of themes like love, time, death, beauty, mortality, etc. These 154 sonnets were first published in a quarto in 1609. The first 126 sonnets are addressed to a young man, a lovely friend of William Shakespeare, while the rest of them are addressed to a black lady. In sonnet number 71, Shakespeare discusses mortality, death, the power of time. So let's start now. He just warns his friends, do not mourn, do not feel sad at his death. अगर शुरू से आप लोगों ने शेक्सपियर सोनेट के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि विलियम शेक्सपियर लव्ड अ यंग गाय, अ यंग फ्रेंड हु वाज वेरी लवली टू हिम, और शेक्सपियर की एज जब हो चुकी है 71 सोनेट्स लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ही हैज ऑलमोस्ट क्रॉस द कॉमन एज ऑफ एडल्टहुड एंड नाउ ही इज बिकमिंग ओल्ड, सो ही डाउट्स दैट ही इज गोइंग टू डाई सून, और इसलिए उन्होंने ये एक शानदार सोनेट लिखा है. चलिए पढ़ते हैं. नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी, मॉर्न मीन्स विलाप करना, रोना. शेक्सपियर कहते हैं अपने दोस्त से या अपने दोस्तों से, नो लॉन्गर मॉर्न फॉर मी, मेरे लिए विलाप मत करना. व्हेन आई एम डेड, जब मैं मर जाऊं, यानी मेरे मरने के बाद कोई भी मेरी मृत्यु पर विलाप नहीं करना. कैसे पता चलेगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? देन यू शैल हियर. मेरे हिसाब से आप यहाँ देन के जगह वेन पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा. वेन यू शैल हियर, जब आप सुनोगे द सर्ली सलेन बेल. आप जानते हैं क्रिश्चियन लोग कि जब भी डेड बॉडी को कॉफिन के अंदर, जमीन के अंदर दबाया जाता है तो एक मौत की घंटी बजाई जाती है ना. वो मौत की घंटी किसे पसंद होगी? किसी को भी नहीं. इसलिए उन्होंने लिखा सरली, यानी रुक्ष, कर्कश ध्वनि. सलेन मैंने उदास. जब भी आप कर्कश रुक्ष ध्वनि सुनेंगे बेल का, तो आप समझ जाना कि आई एम डेड. और ये ध्वनि क्या करती है, क्यों बेल बजाया जाता है? गिव वार्निंग. एक्चुअली वार्निंग नहीं है, इंफॉर्मेशन है. यह बेल से इंफॉर्मेशन दिया जाता है. गिव इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड, है ना. इंफॉर्मेशन दिया जाएगा पूरी वर्ल्ड को दैट आई एम डेड. क्या इंफॉर्मेशन है? कि आई एम फ्लेड, कि मैं इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया. एक्चुअली ये घंटी जो बजती थी, मौत की घंटी, वो दो तरह का काम करता था. पहला, इट वुड गिव इंफॉर्मेशन टू द कॉमन पीपल दैट द पर्सन हैज ऑलरेडी बीन कॉफिन्ड. द सेकेंड थिंग, नाउ इट इज टाइम टू प्रे फॉर हिम. इसलिए विलियम शेक्सपियर ये बात बोल रहे हैं. और फिर क्या होगा, फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ल्ड, जब मेरे को कॉफिन में या जमीन के नीचे दबाया जाएगा, तो इस दुष्ट, घटिया, नीच दुनिया से, वाइल्ड With vilest worms to dwell, मैं रहने चला जाऊंगा जमीन के नीचे, जिस पर मेरे ऊपर वाइल यानी दुष्ट, कमीना, रुच से भी कहीं ज्यादा, यानी सुपरलेटिव डिग्री, वाइलेस्ट वर्म्स मेरे ऊपर रहेगा. यानी मरने के बाद भी शांति नहीं है भाई, आपके शरीर को कीड़े खा जाएंगे. नहीं, इफ यू रीड दिस लाइन, अगर तुम इस या आप मेरे इस लाइन को पढ़ोगे, मेरे इस सोनेट को पढ़ोगे, रिमेंबर नॉट, तो मुझे याद मत करना. क्या नहीं याद करना? रिमेंबर नॉट द हैंड, उस हाथों को याद मत करना, दैट रीड इट, जिसने इसे लिखा. फॉर आई लव यू सो, मैं इतना प्रेम तुमसे करता हूं, है ना. यहां पर अब थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, विरोधाभास भी है. कैसे कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे याद मत रखना, तो मुझे याद मत रखना, मुझे भूल जाना. लेकिन इफ यू रीड दिस लाइन, अगर आप शेक्सपियर के लाइन को पढ़ोगे या उसके दोस्त इस लाइन को पढ़ेंगे, तो नेचुरली ही विल रिमेंबर हिम. इज दैट क्लियर? खैर आगे बढ़ते हैं. बट स्टिल शेक्सपियर वॉन्ट्स दैट दे शुड नॉट रिमेंबर हिम. दैट आई इन योर स्वीट थॉट्स, मैं चाहता हूं कि अपने प्यारे मीठे पल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, जब आप याद करो, मैं चाहता हूं कि वो याद मत करो. Would be forgot, कि मैं चाहता हूं कि अपने यादों में भी आप मुझे
भूल जाओ। चलिए, इफ थिंकिंग ऑन मी, क्योंकि आप मेरे ऊपर अगर सोचोगे, मेरे बारे में सोचोगे, देन शुड मेक यू वो मने दुखी, तो मेरे बारे में सोचकर तुम दुखी हो जाओगे। पहला फोर लाइंस इंफॉर्मेशन दिया कि जब मृत्यु की घंटी बजेगी तो समझ जाना कि मैं निकल लिया, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि कृपया मेरे को याद मत करना, मेरी इस कविता को पढ़ने के बाद ही मुझे मत याद करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम याद करके दुखी हो। यानी शेक्सपियर एक तरह से वो अपना प्यार जता रहे अपने दोस्त के प्रति कि ही लव्स हिज फ्रेंड सो मच दैट ही डजंट वॉन्ट टू सी हिम वो और सैड इवन आफ्टर हिज डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद भी वो नहीं चाहते कि उसका दोस्त पीड़ित हो। क्या प्रेम है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ओह इफ आई से, यदि मैं कहूं लुक अपॉन द वर्स, कि मेरे इस वर्स को देखो, इस कविता को देखो, व्हेन आई परहैप्स, उस समय जब तुम देखोगे, जब मैं शायद कंपाउंडेड एम विद क्ले, क्ले के साथ कंपाउंडर मिक्स हो जाऊंगा, एकाकार हो जाऊंगा, मैं एक मिट्टी हो जाऊंगा, क्योंकि कीड़े लग चुके होंगे, तो do not so much as my poor name rehearse, rehearse का मतलब था रिपीट करना, मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बॉडी मिट्टी के साथ एकाकार हो चुका होगा तो आप मेरा नाम ना लें, मैं नहीं चाहता, मेरा नाम लें आप, but let your love even with my life decay, क्योंकि जैसे मेरी जिंदगी समाप्त होगी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा लव जो मेरे प्रति है, मेरे लाइफ के साथ वो लव भी डिके हो जाए, यानी मैं मर जाऊं, मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेम है वो भी मर जाए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सी यू क्राई आफ्टर माई डेथ। जबकि साधारण इंसान लोग क्या करते हैं, लोग जैसे मेरा कोई दोस्त है तो मैं चाहूंगा कि वेन आई डाई देन माई पीपल, माई फ्रेंड शुड क्राई एट मी, इससे को मेरे को, मेरा ईगो को संतुष्टि मिलेगा कि सो मेनी पीपल लव्ड मी, बट शेक्सपियर हैज क्रॉस दैट ईगोइज्म एंड ही जस्ट वॉन्ट्स दैट इवन आफ्टर हिज डेथ नोबडी शुड क्राई एट हिज डेथ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी फॉरगेटन, ओके, ही डजंट वॉन्ट टू सी हिज फ्रेंड्स क्राइंग, लेस्ट द वाइज वर्ल्ड। अब ये तीन क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा कहा, अब कपलेट जो उनका स्टाइल है शेक्सपियर का, इस कपलेट में वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसा वो क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं, लेस्ट नहीं चाहता कि द वाइज वर्ल्ड, कि ये बुद्धिमान दुनिया, लुक इन टू योर मोन, तुम्हारे कराह को देखे, तुम्हारा विलाप को देखे, एंड मॉक यू, और तुम पर या तुम्हारा मजाक उड़ाए मेरे संबंध में आफ्टर आई गोन, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद जब तुम मेरे ऊपर रो तो यह बुद्धिमान दुनिया, या हो सकता विद्वान दुनिया, एक तरह से शेक्सपियर मजाक भी उड़ाना चाह रहे हो, ये बुद्धिमान दुनिया तुम्हें रोते देखे और तुम्हारा मजाक उड़ाए। चलिए आप समझ सकेंगे थीम क्या है भाई, थीम सिंपल सा है कि शेक्सपियर चाहते हैं कि भाई जो चला गया सो चला गया, उसको याद करके रोना धोना मत करो, बंद करो, है ना, एक तरह से गीता से भी ये थीम ले सकते हैं, व्हाट इज डन इज फॉरगॉटन, ओके, द पर्सन इज गॉन देन गॉन फॉरगेट इट, लाइफ शुड नॉट स्टॉप, जीवन रुकता नहीं है ये चलता रहता, किसी को याद कर करके रोना विलाप करना ये लाइफ चलने वाला नहीं है, एक व्यक्ति चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, आपको आगे बढ़ जाना, यही थीम है। और शेक्सपियर का जो पुराना स्टाइल है आप देख सकते हैं, राइमिंग स्कीम, पहला क्या है डेड, है ना, इसका साउंड क्या है डेड, तो राइमिंग स्कीम क्या करूंगा इसका, तो सीधा क्या ए होगा, और बेल यानी अलग सा साउंड है तो बी हो गया, फ्लेड यानी डेड जैसा मैच किया इसलिए ये भी ए हो गया, अब ड्वेल बेल जैसा मैच किया ये क्या हो गया बी हो गया, तो आप देख सकते हैं उनका साउंड स्कीम सीधा है ए बी, और अगर आगे बढ़े तो नॉट क्या है, नॉट यानी सी डी सी डी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ चुके हैं, ई एफ और जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ कॉमेंट सो दैट आई मे फील बेटर।